हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की लाइव क्लास मैंने रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट कर दिए, इस वजह से क्योंकि ये सेशन जो है वो रिकॉर्डेड ही अच्छा लगेगा। अभी मैं लाइव क्लासेस भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है कि आपको जो क्वेश्चन, ये सेशन जो है वो रिकॉर्डेड ही अच्छा लगेगा क्योंकि लाइव सेशन मैंने ऑलरेडी इन पे ले रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने सारे ही अवार्ड, जितने भी अवार्ड मिसिंग थे, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेगा। सबसे पहले हम बात किस पे करेंगे आज, तो हम ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड, जितने भी फिल्म मूवीज को जितने अवार्ड्स मिले उन सारे के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर बनाएंगे। ये सेशन से आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें हम 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 जो अभी जो है परसों दिया गया है, 95वां ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे, 80वें गोल्डन ग्लोब के अवार्ड की बात करेंगे, 76वें बाफ्ता अवार्ड की बात करेंगे, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड की बात करेंगे, 76वें कांस की बात करेंगे, आईफा की बात करेंगे, फिल्म फेयर की बात करेंगे, इवन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है गोवा में 53वां, उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी मैं सारे ही आपको ग्रैमी के बारे में बात करेंगे, एमी के बारे में बात करेंगे, यानी जो टीवी सीरीज जो होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, इन तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, जो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, तो सबसे पहले 69वां फिल्म फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो हमारा नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसके बारे में बात करें, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी को चुन लिया गया है। आपको पता है इसके डायरेक्टर भी कौन है, आर माधवन जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुन लिया गया, रॉकेटरी को। सिर्फ इंडिविजुअली 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख भी सकते हैं उसको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछा गया जाएगा दोस्तों इस बार 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो अल्लू अर्जुन को दिया गया, किस मूवी के लिए, पुष्पा के लिए दिया गया, और ये तेलुगु के पहले एक्टर हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, तेलुगु मूवीज के ये पहले एक्टर हो गए हैं जिनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें दोस्तों, तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए, गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को, और कीर्ति सनन को मिमी के लिए, इन लोगों ने शेयर किया ये अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इस बार 2 लोगों को मिला है, आलिया भट्ट को और कीर्ति सनन को, ध्यान रखिएगा। जबकि सर्वश्रेष्ठ निदेशक का, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया निखिल महाजन को गोदावरी मूवी के लिए, जो कि एक मराठी मूवी, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगर पूछा जाएगा कि बेस्ट बुक ऑन सिनेमा, तो देखिए एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, इसको मैंने प्रेजेंट भी किया आपको जानबूझ करके, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि कुछ भी नया होता है तो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ताकि बच्चों के लिए टफ लगे और रेयर नंबर मिले। तो यहाँ पे आपको रेयर नंबर मिल सकता है। इस बार बेस्ट बुक ऑन सिनेमा लॉन्च किया गया, और वो किताब हो जाएगी म्यूजिकल म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो कि रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई। किसके द्वारा, रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई। और इसके अगर राइटर पूछे जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे, राजीव विजयंकर, मैंने पहले भी ये बता रखा है, राजीव विजयंकर कौन हो जाएंगे, इसके राइटर हो जाएंगे, रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो ये तो टॉप 5 अवार्ड हो गए। इसके अलावा कुछ और एडिशनल अवार्ड आपको 69वें फिल्म फेस्टिवल में पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यहाँ पे देखिए, ये तो फीचर अवार्ड हो गए। एक नॉन फीचर में आपको मूवी पूछी जा सकती है जो थिएटर में नहीं लगती, तो नॉन फीचर अगर बेस्ट मूवी पूछा जाएगा, जो मेरे हिसाब से पूछा जाएगा, तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा, वो हो जाएगी एक था गांव, एक था गांव, एक गढ़वाली हिंदी मूवी है। इसको नॉन फीचर कैटेगरी में बेस्ट मूवी चुना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेस्ट प्लेबैक अगर सिंगर पूछा जाएगा फीमेल, तो इस बार किसको दिया गया, श्रेया घोषाल को दिया गया। ध्यान रखिएगा, बेस्ट प्लेबैक सिंगर अगर पूछा जाएगा तो वो फीमेल, तो श्रेया घोषाल को दिया गया है मायावा छायावा गाने के लिए। जबकि बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल पूछा जाएगा तो वो काला भैरवा को दिया गया है कोमरम भीमोड़ी, जो कि भीमोड़ू जो कि ट्रिपल आर का गाना है, ठीक है, जो कि जे आर जूनियर NTR पे फिल्माया गया था। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछा जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएंगी पल्लवी जोशी कश्मीर फाइल। 100% ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी बेस्ट सहायक अभिनेत्री, या फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, तो वो हो जाएंगे पंकज त्रिपाठी, जिनको मिमी के लिए दिया गया है। जबकि बेस्ट म्यूजिक पूछा जाएगा तो वो किसको दिया गया, DSP को, देवी श्री प्रसाद को, पुष्पा के लिए। पुष्पा के सारे ही गाने लगभग आपको पता है फेमस थे, उसमें जो म्यूजिक डायरेक्शन है वो किसका है, तो वो DSP का है, देवी श्री प्रसाद का है। जबकि अगर बेस्ट अगर पूछा जाएगा बैकग्राउंड स्कोर, ध्यान रखिएगा बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अगर पूछा जाएगा म्यूजिक में ही, तो वो किसको दिया गया है, वो MM किरवानी साहब को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, MM किरवानी साहब को दिया गया, किसके लिए, RRR के लिए, MM किरवानी RRR के, बेसिकली SS राजमौली की मूवी में MM किरवानी ही म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं।
बेस्ट चिल्ड्रेन फिल्म देखिए अगर पूछा जाएगा तो गांधी एंड कंपनी, जो कि एक गुजराती फिल्म है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं बेस्ट चिल्ड्रेन एक्टर भी बता देता हूँ, जो कि हैं भाविन राबड़ी। ठीक है, भाविन राबड़ी जो हैं वो, इनको बेस्ट एक्टर चुना गया चिल्ड्रेन में। चिल्ड्रेन बेस्ट एक्टर, बेस्ट चाइल्ड एक्टर पूछा जाएगा तो वो भाविन राबड़ी हो जाएंगे, जिनकी मूवी चेल्लो सो के लिए, ध्यान रखिएगा, चेल्लो सो को हमारी तरफ से ऑस्कर में भी भेजा गया था, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी वहाँ पे। ठीक है, बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पूछा जाएगा तो आवास स्वयं, आवास स्वयं जो है किसको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बेस्ट मूवी चुना गया था। बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स को नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट मूवी चुना गया था। बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर पूछा जाएगा दोस्तों विष्णु मोहन मेपाडियन के लिए चुना गया था, जो कि एक मलयालम भाषा की मूवी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा बेस्ट पॉपुलर फिल्म चुनी गई इस बार RRR, RRR को बेस्ट पॉपुलर फिल्म चुनी गई है, और दादा साहब फाल्के में इसको मूवी ऑफ द ईयर भी चुना गया था। खैर, दादा साहब फाल्के हम आगे देखेंगे। बेस्ट कोरियोग्राफी पूछा जाएगा तो प्रेम रक्षित को नाटू नाटू के लिए दिया गया था। नाटू नाटू भी RRR का ही सॉन्ग है। ठीक है, अब दोस्तों मैं कुछ स्टेट बेस्ड मूवी आपको बता देता हूँ, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड मूवी जो कि आपको पूछी जा सकती है। तो देखिए, बेस्ट हिंदी फिल्म किसको चुना गया, सरदार उधम सिंह को। बेस्ट अगर कन्नड़ा फिल्म पूछा जाएगा तो 777 चार्ली को। बेस्ट बंगाली फिल्म पूछा जाएगा तो कुलखो को। बेस्ट गुजराती फिल्म पूछा जाएगा तो चिल्लो सो को। बेस्ट मैथिली फिल्म पूछा जाएगा तो समांतर को, 100% ये पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बेस्ट मराठी फिल्म, ये भी 100% पूछा जाता है, एकदा काय झाला को। बेस्ट मलयालम फिल्म पूछा जाएगा तो होम को। बेस्ट तमिल फिल्म पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा कदैसी को, कदैसी विवाह सही को। बेस्ट तेलुगु फिल्म पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा उपेना को। बेस्ट उड़िया फिल्म पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा प्रतीक्षा यानी द वेट, और ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, द वेट भी जो है आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आपको बना सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड की बात हो गई, अब हम ऑस्कर्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑस्कर्स भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनाता है। तो 2023 में 95वां इसका एडिशन हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट मूवी चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया, ब्रैंडन फ्रेजर को। किसके लिए, द वेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया, माइकल यो को। किसके लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पूछा जाएगा तो डैनियल क्वान और डैनियल सिनर्ट को चुना गया, जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के ही डायरेक्टर हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग पूछा जाएगा दोस्तों तो वो चुना गया नाटू नाटू को, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपको। बेस्ट शॉर्ट अबाउट डॉक्यूमेंट्री मूवी पूछा जाएगा तो द एलिफेंट विस्परर, और ये कहाँ से है, इंडिया से, तो इसके भी 100% चांसेस हैं पूछे जाने के। ध्यान रखिएगा, हर स्लाइड से आपको एक नंबर का क्वेश्चन, यानी सबको, ऐसा नहीं कि 10 नंबर यहीं से पूछा जाएगा, सबको कोई ना कोई क्वेश्चन याद हो जाएगा जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया, द फैबल मैंस को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया, ऑस्टिन बटलर को एल्विस मूवी के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया तो केट ब्लंचेट को तार मूवी के लिए। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको चुना गया, स्टेवन स्पिलबर्ग को चुना गया फैबल मैन के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग पूछा जाएगा तो ये नाटू नाटू को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन ग्लोब है, वो जो हो जाएगा आपका ऑस्कर्स हो जाएगा। और बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका बाफ्ता भी है। बाफ्ता के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए, ब्रिटिश फिल्म अगर की बात कर लें हम दोस्तों, तो बेस्ट फिल्म यहाँ पे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया बाफ्ता में, 76वें बाफ्ता अवार्ड में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बेस्ट मूवी चुना गया। बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा तो वो किसको चुना गया, एडवर्ड बर्जर को, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी के लिए ही। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो क्लेट बंचेट को तार मूवी के लिए, ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस सेम जो आपका गोल्डन ग्लोब में था, और बेस्ट एक्टर भी सेम जो कि आपको गोल्डन ग्लोब में था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछा जाएगा दोस्तों तो वो कैरी कॉनमैन हो जाएंगी, उसके अलावा कैरी कॉन्डान हो जाएंगी। उसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके बैरी कोगन। ठीक है, बेस्ट ब्रिटिश मूवी अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा बैनिसीज ऑफ इनसेरेन। ध्यान रखिएगा, बाफ्ता में आपको बेस्ट जो है कि आपको ब्रिटिश मूवी पूछा जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, बैनिसीज ऑफ इनसेरेन, जो कि पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। बाकी क्लेट बंचेट और ऑस्टिन बटलर आपको याद रहेंगे। आ जाते हैं दोस्तों हम 53वें, हमारे जो है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में होता है, जो कि 2022 में हुआ था, लेकिन पूछा जाएगा 53वां एडिशन, ध्यान रखिएगा, ये हर बार गोवा में ही होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाएगा तो आई हैव अ इलेक्ट्रिक ड्रीम्स,
और इसके तहत गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको पूछा जाता है कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में 53वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको दिया गया, तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ मूवी होती है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया, तो वो जाएंगे वाहिद मॉबसेरी नो एंड मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाएगा, बेस्ट एक्ट्रेस, तो वो हो जाएंगे डैनियला मारिन आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स मूवी के लिए ही। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो कि पूछा जाएगा, फोकस कंट्री 100% पूछा जाता है, वो हो जाएगी फ्रांस। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी, ध्यान रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है किसमें, 53वें आपको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में यूनेस्को गांधी पुरस्कार इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तहत, तो वो पायोम इस कादरी को दिया गया था नरगिस मूवी के लिए, जो कि एक ईरानी फिल्म है। होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, दादा साहब फाल्के पे आ जाते हैं। देखिए अगर आपको पूछा जाएगा कि 53वां दादा साहब फाल्के किसको मिला, तो लास्ट जो मिला वो आशा पारिक जी को मिला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50वां मिला था आपको अमिताभ बच्चन जी को, 51वां रजनीकांत को, और 52वां आशा पारिक जी को मिला, जो लास्ट आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाएगा, तो द कश्मीर फाइल्स को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2023 में द कश्मीर फाइल को बेस्ट मूवी चुना गया था। एक सेकेंड, कहाँ चला गया भाई, ठीक है, कश्मीर फाइल्स को बेस्ट मूवी चुना गया था। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाएगा, रणबीर कपूर को चुना गया, ध्यान रखिएगा किसके लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए, किसमें, दादा साहब फाल्के में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाएगा, तो आलिया भट्ट को किसके लिए, गंगूबाई के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पूछा जाएगा, तो आर बाल्की को, एक चुप करके मूवी आई थी दुलकर सलमान की, उसके लिए। और फिल्म ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, तो RRR जो कि SS राजमौली की मूवी है। इस बार ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी जब आपने नेशनल फिल्म अवार्ड देखा होगा तो उसमें बोला गया कि वो और जो है कि बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, इसको बाद में जो है अनाउंस किया जाएगा। 23वें आईफा की बात करें दोस्तों, तो बेस्ट मूवी चुना गया दृश्यम 2 को, जो कि अजय देवगन की मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें दोस्तों, तो ऋतिक रोशन को चुना गया था विक्रम वेदा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया, आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पूछा जाएगा, तो वो आर माधवन को चुना गया रॉकेटरी के लिए। जबकि अगर पूछा जाएगा कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट मूवी किसको चुना गया, तो वो रॉकेटरी को चुना गया। और नॉन फीचर में पूछा जाएगा, तो एक था गांव। इन बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया, गंगूबाई कठियावाड़ी, जो कि संजय लीला भंसाली की मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा फिल्म फेयर है तो राजकुमार राव को बधाई दो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाएगा, तो आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए। इस बार लगभग हर जगह आलिया भट्ट को अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक पूछा जाएगा, तो विष्णुवर्धन को शेरशाह मूवी के लिए, ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली मूवी जो पैट्रियाटिक मूवी थी, शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। 76वां कांस फिल्म पुरस्कार, तो शुरू करने से पहले ध्यान रखिएगा, इस बार दीपिका पादुकोण को ज्यूरी मेंबर बनाया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दीपिका पादुकोण को कांस में ज्यूरी मेंबर बनाया गया था, प्लस पाम डियोर अवार्ड, यानी इनका बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है जिसको पाम डियोर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको गोवा वाला बताया था इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, उसमें गोल्डन पिकॉक कहा जाता था, इसमें पाम डियोर कहा जाता है। और वो एनाटॉमी ऑफ अ फॉल जो है ये बेस्ट फिल्म चुना गया है 76वें कांस फिल्म समारोह में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुसो, बहुत कम चांसेस है लेकिन आपको ये इसके 100% चांसेस हैं पाम डी और पुरस्कार के। बाकी मैंने इसलिए प्रेजेंट कर दिया ताकि आपको याद रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाएगा, तो मार्वे दिसदार। सर्वश्रेष्ठ निदेशक पूछा जाएगा, तो ट्रॉन एन हंग। सर्वश्रेष्ठ पथा पूछा जाएगा, यानी पटकथा यानी स्टोरी लाइन, तो वो हो जाएगी मॉन्स्टर। बेस्ट हिंदी फिल्म पूछा जाएगा, तो शाकुंतलम। और ये समानता, समानता को आप जानते हैं सारे लोग, ठीक है, तो उनकी मूवी है जिसको बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया था शाकुंतलम को, किसमें, कांस में। तो ये मेरे हिसाब से 110% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पर 65वें ग्रामी पुरस्कार के बारे में बात कर लें तो दोस्तों, तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, हैरी हाउस को, ध्यान रखिएगा हैरी स्टाइल्स के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था। सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ये भी ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, अबाउट डेमन टाइम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिकी की जो कि भारतीय म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी जीता है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रिकी केज ने किस चीज के लिए, किस अपने जो कि काम के लिए म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड जीता है ग्रैमी में, तो डिवाइन टाइट्स के लिए। ध्यान रखिएगा उनका कंपोजिशन क्या हो जाएगा, डिवाइन टाइट्स, जो कि पूछा जा सकता है। और इनको 3 बार ग्रैमी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा, बैंगलोर बेस्ड ये भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं,
बैंगलोर में रहते हैं। 74वां एमी अवार्ड पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सक्सेशन बेस्ड ड्रामा सीरीज, क्या हो जाएगी, सक्सेशन बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज पूछा जाएगा, तो वो लू जेंग जे हो जाएंगे, और बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज हो जाएगा तो ये जिनेडिया, जिसमें जिनेडिया आपको पूछा जा सकता है 74वां एमी अवार्ड में, प्लस बेस्ट ड्रामा सीरीज भी पूछा जा सकता है जो कि आपका सक्सेशन है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का था पूरा फिल्म अवार्ड, मैंने आपको एक एक ही सेशन में प्रेजेंट कर दिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो जरूर आपका सब्सक्राइब बंद करना बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में जो कि 5 बजे लाइव सेशन होगा, तब तक अपना ध्यान रखें।